गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? इस बार तुमने अपने जन्मदिन पर क्या प्लान बनाया? खास नहीं, और वैसे भी अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। बस घर पर अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे और सब साथ मिलकर खाएंगे, क्यों? सही कहा ना? अरे वाह, तू तो सचमुच बड़ी हो गई है, समझदार हो जैसी बातें करने लगी है। बेटा आज मैं तुम्हें एक खास बात। ओह आइए आइए। और सब क्या हाल है? जी बढ़िया, ठीक है, आइए। आइए डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और अंकल जी कैसे हैं? बढ़िया। सब बढ़िया, दवा वा खा रहे हैं ना? ठीक। जीभ दिखाइए। सांस लीजिए। कुछ और दवाई लिखते हैं। जी सर। दवाई हम लिख दिए हैं, ये दवा है, इसको आज ही ले आइएगा। इनकी दवाई जो लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। अंकल जी हम चलते हैं। आता हूँ पापा छोड़ के। आज मैं तुझे एक खास बात बताने जा रहा हूँ। हाँ दादाजी कहिए ना। हमें हमारा जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें किसी खास प्रयोजन के लिए ही बनाया है। और सत्य यह भी है कि हमारा हर एक दिन नया जन्म होता है और हमें हर दिन खुश रहना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? जी दादाजी। एक बात और, जब भी अवसर मिले गरीब और जरूरतमंदों की मदद जरूर करना। तुम्हारा जन्मदिन भी तो एक अवसर ही है ना? तो क्यों ना इस बार तुम अपने जन्मदिन पर गरीबों को अच्छी अच्छी भोजन कराओ। ये तो कमाल का आइडिया दिया है आपने दादाजी। मैं ना अपने बर्थडे पर ऐसा ही करूंगी। अच्छा दादाजी मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, मैंने बचा रखे थे। अच्छा, कुछ और पैसे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब तो बाबूजी अच्छे हो जाएंगे ना? अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, आप ये भी रख लीजिए। दादाजी की दवाई ज्यादा जरूरी है ना?
मुझे तुम पे गर्व है। गॉड ब्लेस यू। सुते श्रुति, आई दादाजी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। कुछ दवाई लेनी थी। का पूरा बिल 15,000 का हो जाएगा। 15,000? राजेश जी, इस समय तो मेरे पास इतना नहीं, थोड़ा कम पड़ जाएगा। आप अगर दवाई दे देते तो अगले महीने चुका दूंगा। अरे इस बार तो हो नहीं पाएगा सर, 3 महीने हो गए, आपने पिछला हिसाब क्लियर तो किया ही नहीं है। पूरे 22,000 रुपये बकाया है। चलो बेटा, ये भाई साहब को क्या प्रॉब्लम है? इनके पिताजी काफी समय से बीमार हैं। अच्छा। और मेरे यहाँ बकाया भी है। प्रॉब्लम तो है, अब मेरे लिए संभव नहीं है कि और आगे कर सकूं। अच्छा। घर भी चलाना है। हाँ। दुकान और इन सबको भी देखना है। समस्या तो बड़ी है जी, कुछ तो करना होगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ जी। ओके। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा है ना तुम्हारे? पर पापा, इतने पैसे? हो जाएगा। सर, अगर मेडिकल से संबंधित आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइए, हम सीधा आपका काम करा देंगे। जी नहीं, थैंक यू। भैया, दादाजी के लिए दवाई लेनी है, पर हमारे पास पैसे बहुत कम हैं। अच्छा, पैसा? यहाँ सब पैसों का ही खेल है। बिना पैसा का कोई कुछ नहीं, इंसान इस दुनिया में इंसान ही नहीं रहा। सर आइए ना जरा इधर, कुछ बात करनी है। देखिए,
आपको भी पैसे की जरूरत है? हम आपको एक सलाह देते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, भगवान ने हमें दो आंख, दो कान, दो किडनी क्यों दिए हैं, जबकि हमारे एक से भी काम हो सकता है। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? यही सही समय है, आप कुछ निर्णय लीजिए। मतलब अगर आप चाहें तो 50,000 से 1,00,000 तक कमा सकते हैं। बस 1 घंटा लगेगा और सब काम हो जाएगा। एक हल्का सा चीरा लगेगा और सब काम हो जाएगा। मैं सब देख लूंगा। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, आपकी जरूरत भी तो है। हेलो सर। हाय, मैं रघुगिरी। जी बैठिए। मुझे पता चला है कि वो दवाई की जरूरत है और मैं आपकी सारी दवाइयों का खर्च उठाना चाहता हूँ। धन्यवाद, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरी दवाइयों का खर्च क्यों उठाना चाह रहे हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, हर दिन इंसान का जन्मदिन होता है। क्या हुआ बहन जी? भाई साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं। बहुत परेशान हूं मैं। आपका प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? ये रहा। बहन जी, जी भाई, आप चिंता मत कीजिए, इसके सारे खर्च मैं उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इंसान सिर्फ एक दिन जन्म नहीं लेता जी। वो हर दिन जन्म लेता है और उसे हर दिन खुश रहना चाहिए। जी बिल्कुल। आज मेरा जन्मदिन है जी, मैं सारी दवाइयां लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपको जब भी अवसर दे, आप इसी तरह किसी गरीब की मदद जरूर करना। जरूर सर, मैं यही चाहता हूँ। आप आइए मेरे साथ। जी सर। और ये मैं आपके सामने हूँ, आइए चले। आओ बेटा। सर जी, सर जी। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने आपको उस आदमी से बातें करते सुना। तो सर जी, मुझे अपने साथ काम पे रख लीजिए ना। आप जो भी काम बोलोगे मैं वो बहुत मन लगा के करूंगा। सेठ जी, मैं इस पैमाने के धंधे से दूर हटना चाहता हूँ। सेठ जी प्लीज। सेठ जी आओ, गाड़ी में बैठो। जी सेठ जी। दादाजी, ये रही आपकी मेडिसिंस। आपको पता है आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ बेटा? आज सुबह जो आपने बताया था ना कि हर दिन हमारा नया जन्म होता है और अवसर मिले तो हमें जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए, सेम यही बात एक आदमी ने हमें बताई और उन्होंने हमारी मदद भी की, है ना पापा? हाँ, सही बात है। अच्छा। हाँ, आज उसने अपने जन्मदिन का उत्सव मनाया है। जी पापा। उसने अपने उत्सव में हम लोगों को शामिल किया है। भगवान उसे सदा खुश रहे।